शेष बेटा सागर के होता हजार। अब हजार बेटा सागर रे, 60,000 पुत्र बताया राजा सागर रा। 8,000 तो गणा बेनी पूरो शेर बने। अबे परिवार में 15-20 आदमी पहुंच गो तो रोक करो कैसा बहुमत हो। तो 60,000 बेटा अखे काली मोड़ दी राजा सागर की ओर एनम कोई ड्यूटी माते लगाओ, जॉब गार्ड बनाओ, नहीं तो वो आतंकवाद में क्यों। राजा सागर की ओर पे रोज रोज एक नवो बेरो खोदो और वरना पानी लावे मन दातन कराओ। उन्हें स्कीम बनाई, एक सकरी बनाई दी, जीर्णो वेनी मंथन करवारो। ये बोरिंग बनने माते बनी उड़ा बोरिंग जीपीएस मशीन बनने देखे देखे बनाया बने। राजा सागर ने बेटे एक सकरी बनाई और 8,000 बेटो रे तो बोरिंग री जरूरत नहीं। एक पावड़ो पावड़ो धूड़ बारे लिए तो 2 घंटों में बेरो तैयार में पौनी लावे तैयार। आ पृथ्वी कोपाई मानवेगी और भगवान विष्णु ने पुकार की थी कि रोज रो बेरो खोदेला मारी कोई अवाल बेला। भगवान पृथ्वी ने आदेश दियो कि काले बेरो खोदवा आवे पहला फाट जे परी। ए 8,000 माय आवे माता हूं भेड़ी परी भेजी पापो पाप समाप्त। ऐसा ही हुआ। 60,000 बेटोरी अदो गति वेगी है। वन राजा सगरी पेड़ी में राजा दिलीप हुआ और दिलीप रे बेटा हुआ राजा भागीरथ जने आ गंगा लाई और वन गंगा रे कारण थी आज ओपे ओपरा पित्रोरी ओपरे बड़ा हुआ री गति करे दिया मोक्ष कर दिया। माली सवरलाल जी को भी याद करना पड़ेगा। थे तो धरणी पधार्या गंगा माती तो धरणी पधार्या गंगा मात त्रिवेणी थाने अर्ज करा। तो धरणी पधार्या गंगा मात त्रिवेणी थाने अर्ज करा। सभी लोग एक बार जयकार करें गंगा भैया की। बोले गंगा हरिद्वार की जय हो, पुष्कर राज महाराज की जय हो। भागीरथ जन्मियो दिलीप राजा रे सगर कुल रे माँ। अरे भागीरथ जन्मियो दिलीप रे रे सगर कुल रे माँ। अरे गंगा लावण तपती हो रे, गंगा लावण तपती हो रे भोरे तपस्या रे माए। त्रिवेणी थाली अर्ज करा ये तो धरणी पधार्या गंगा मात त्रिवेणी थाने अर्ज करा। जब भक्ति की वही प्रसंग जो अभी जो भारती जी ने कहा उन 60,000 पुत्रों की मोक्ष करवाने हेतु गंगा जी की आवश्यकता हुई तो गंगा प्रसन्न हुई रे भगत पर दर्शन दीना आए। गंगा प्रसन्न हुई भगत पे दर्शन दीना आए। गंगा प्रसन्न हुई भगत पर दर्शन दीना आए। मैया दर्शन दीना आए। अरे मारे देख ले पुण रोके ला। मारा देख ले पुण रोके ला। अरे देख ले पुण रोके ला। मैं जाऊं तो साथल माए फिर भेड़े खाने अर्ज करा। मैं तो निमन करा और माने गंगा मैया हमें निमन करा। फिर तो धरनी पधार्या गंगा माती फिर मैं हमें निमन करा। भागीरथ ने भक्ति की गंगा जी प्रसन्न हो गए।
साक्षात दर्शन दे दिए। और काय भागीरथ, एक परेशानी है, तेरी भक्ति से मैं प्रसन्न हूं, मगर मेरा वेग जो है वो इतना तीव्र है, इतना तेज है, इतना प्रचंड है कि मैं अगर धरती पे आना चाहूंगी तो धरती पे नहीं रह के मैं रसातल में चली। अभी सो उपाय भागीरथ ने क्या किया? भागीरथ शिवरी करी तपस्या, भागीरथ शिवरी करी तपस्या, राली जटा रे माँ, भागीरथ तपस्या की शिवगिरी झेली जटा रे माँ, भागीरथ शिवरी करी तपस्या। किस तरह से शिव जी की तपस्या की? ओ नमः शिवा, ओ नमः शिवा, अगर सच्चे मन से हुई आपकी बात, निज मन से अगर भक्ति की, तो मैं इस बात को मीडिया के सामने और पूरे सभी बुजुर्गों के सामने कहना चाहूंगा कि एक ऐसी विपदा से मैं अभी निकला हूं। ये महेंद्र साहब को मालूम है, लगभग उसमें 10 महीने लग गए, और फिर भी वक्त आया, वक्त वो गुजर गया, मगर हर विश्वास राख एक धारो, सबको पूर्ण गिरधारी, हरदास सुदामा राख भरोसो कंचन मैल हुआ जाए। इसलिए और ये जो दांगड़ी रात है, खंगा प्रसन्न हुई रे भगत पर दर्शन दीना आए, खंगा प्रसन्न हुई भगत पे दर्शन दीना आए, अरे वेग ने कुण रोकेला जाऊ रसाथल मां, तो जाऊ रे पियालो रे माई मैं हमें निमन करा, तो आज की जो रात्रि है तुम जगा रहे हैं, तो गंगा के यो हरिद्वार सु कुंभ कलश ले जा, गंगा के वे हरिद्वार से कुंभ कलश ले जा, गंगा के यो हरिद्वार सु कुंभ कलश ले जा, गंगा के वे हरिद्वार से कुंभ कलश ले जा, अरे गंगा सुआयन रात जगाओ, गंगा सुआयन रात जगाओ, गंगा सुआयन रात जगाओ, शिवरी पति हो जाए फिर मेरी खाने निमने करा, तो धर पदाया भरा गंगा पाए फिर मेरी खाने अरज करा। जो रहा है ये जो सत्संग हम कर रहे हैं, ये डांगड़ी की सत्संग है। डांगड़ी में 7 पैर होते हैं, 7 खंड होते हैं। सर्वप्रथम राजा परीक्षित को जब ये कथा सुनाई गई, तो तब से लेकर अब तक एक परंपरा बन गई। तो हमारे जोधपुर के बाली छवरलाल जी गहलोत, जिन्होंने इस रचना को लिखा, तो बाली छवर कहे गंगा भेजा पितरों ने सरगामा, माली छवर के गंगा भेजा पितरों ने सरगामा, अरे भाड़ी छवर कहे गंगा भेजा पितरों ने सरगामा, माली छवर के पितरा सरगामा, अरे डांगड़ी रात मोक्ष करावे, डांगड़ी रात मोक्ष करावे, डांगड़ी रात मोक्ष करावे, डांगड़ी
आवा कमल मिट जाए फिर बैठी थाने निवणी करा हे तो धरणी पथाया गंगा माटी फिर बैठी थाने निवणी करा गंगा मैया थाने निवणी करा निवणी करा ए बोली आडो खोल मारी ए बोली आडो खोल मारी ए पिलाड़े आई माता वो ए भक्तो रे हलकारे बेगा आव मारी जोग माया आरडीसी मीडिया के डायरेक्टर आदरणीय दुर्गाराम जी सीरवी के लिए जोरदार तालियां बजाकर सम्मान करें, साथ ही साथ नमन अवश्य बहुत से सीरवी समाज के रतन इस मंच पर विराजमान है, सभी के लिए जोरदार तालियां बजाकर आप लोगों को अभिनंदन और स्वागत करें। ये भाई ओ, 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 कलकत्ता में काली पूजी मंगोरी मम्मा देवी कलकत्ता में काली पूजी मंगोरी मम्मा देवी मैं सोना रा भैरुनाथ ने पूजा जोग माया हो अरे महेशना रा भैरुनाथ ने पूजा मारी जोग माया हो अरे बोली आडो खोल मारी ए पिलाड़े आई माता जी बोली आडो खोल मारी ए पिलाड़े धनियानी मां ए भक्तो रे हलकार बेगा आवो जोग माया हो अरे संतो रे बुलाया रे बेगा बेगा आवो मारी जोग माया हो अनेक में बड़ा खारी मत हो पाली से पधारे आदरणीय भाई श्री महेंद्र सिंह जी राठौड़ जोरदार तालियां बजाकर सभी लोग उनका अभिनंदन और स्वागत करें। धन्यवाद। पूजी आप गढ़ली
अदर पुदी सुंदरी सामुंडा मा अब गगरी अधर देवी सुंदरी सामुंडा मा ये होनो नारा फेरु नाथ ने पूजा जोग माया हो अरे सोनो नारा फेरु नाथ ने पूजा मरी जोग माया हो अरे बोली आलो उन मारी ए सुंदरी सामुंडा मारी अरे जगदम्बे जगदननी माँ भक्तोरे अलकार बेगा आवो जोग माया हो भक्तोरे बुलाया अरे बेगा बेगा आवो मारी जोग माया हो सुंदरी चामुंडा मा भक्तोरे अलकारे बेगा आवो जोग माया हो अरे भक्तोरे बुलाया अरे बेगा बेगा आवो मारी जोग माया हो सभी लोग दोनों हाथ उठा कर एक बार ताली बजा कर आशीर्वाद प्रदान करें भाई तरुण प्रजापति आवड़ी का प्रयास करते हुए
सभी लोग एक बार दोनों हाथ उठाकर जयकार बोलेंगे। बोल श्री आई माते की, श्री दुधेश्वर महा